Hello students, let us see the solution of today's question. And the today's question is, a person sells a TV at 10% less than the cost price. ठीक है, एक व्यक्ति जो टीवी है उसको कॉस्ट प्राइस से 10% कम में बेचता है. इफ ही सेल्स इट एट 1494 मोर, ही वुड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12/2%. ठीक है, अगर उसको 1494 रुपए ज्यादा मिले तो उसको जो प्रॉफिट है 12/2 मतलब 12.5% का ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा. तो हमें बताना है कि इस टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी है. ठीक है, तो लेट अस टेक दैट सीपी ऑफ द टीवी इज 100%. ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला है कि द पर्सन इज सेलिंग इट एट 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस. मींस जो सेलिंग प्राइस है वो आपका इससे 10% कम होगा, दैट इज 90%. ठीक है, अब अगर बोल रहा है कि इफ द पर्सन विल गेट 1494 रुपीज मोर, मतलब इससे 1494 उसको ज्यादा मिलते हैं, तो उसको जो प्रॉफिट है वो कितना जा रहा है, टोटल 12/2%. ठीक है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा आपका 1/2%. ठीक है, यहां मैं कहूँ सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा आपको 12/2% का. ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं कि जो चीज 112.5% में बेची जा रही है माइनस 90% में बेची जा रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया ये 1494 रुपीज. राइट, मतलब जो चीज 90% में बेची जा रही है उसके और जो चीज 112/2% में बेची जा रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये रुपीज. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालू तो 12.5 ये है और 10 ये है, तो दिस विल बी 22/2%, या मैं कहूँ 22.5%. तो हमारे क्वेश्चन में 22.5% की हमें वैल्यू पता है, दैट इज रुपीज 1494 रुपीज. ठीक है, और हमें निकालना है सीपी, एंड सीपी इज 100%, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%. तो हम निकाल लेते हैं 1% की वैल्यू, दैट इज 1494 अपॉन 22.5, और यहीं पे अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो 100% की वैल्यू ये हो जाएगी. राइट, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये पॉइंट हटा देता हूँ, जीरो यहाँ लगा देता हूँ, तो 25, 9 जा 225, 25 4 जा 100, तो हो गया 40, और इसको 9 से और डिवाइड फर्दर कर देता हूँ, तो 9 1 जा 9, दैट इज 59, तो 9 6 जा 54, एंड अगेन 9 6 जा 54, तो 166 into 40, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 6 जा 24, 6 6 4, और एक ये 0. ठीक है, तो जो हमारा 100% की वैल्यू आई, दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी वाज 6640 रुपीज. ओके, सो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन. थैंक यू.